हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि और आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़ चैनल का एजुकेशन सेक्शन, जिसमें हम बात करते हैं देश भर से एजुकेशन रिलेटेड बड़ी खबरों के बारे में। आज की पहली खबर है कि मध्य प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड एग्जाम के एग्जाम फॉर्म भरने की डेट 31 जनवरी तक बढ़ा दी है। लेकिन आपको बता दें कि 31 जनवरी तक फॉर्म लेट फीस के साथ भरे जाएंगे। बाकी डेट्स की डिटेल हम आपको बता देते हैं। 26 अक्टूबर से 25 नवंबर तक एग्जाम फॉर्म बिना किसी लेट फीस के भरे जाएंगे। 26 नवंबर से 10 दिसंबर तक 2000 लेट फीस के साथ एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे। 11 दिसंबर से 31 दिसंबर तक एग्जाम फॉर्म 5000 लेट फीस के साथ भरे जाएंगे। और लास्ट में 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक एग्जाम फॉर्म 10000 लेट फीस के साथ भरे जाएंगे। हालांकि लोगों का कहना है कि कोरोना की वजह से एग्जाम फॉर्म भरने की डेट को बढ़ाना एक सराहनीय कदम है, लेकिन लेट फीस को कम करने की भी मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश के इंजीनियरिंग मैनेजमेंट और फार्मेसी की एडमिशन के लिए हुए एग्जाम UPSEE टेस्ट के बाद काउंसलिंग प्रोसेस आज दोपहर 2 बजे से शुरू हो गई है और ये 22 अक्टूबर तक चलेगी। इसके साथ ही बता दें कि 6 महीने लगातार स्कूल बंद रहने के बाद उत्तर प्रदेश में आज से यानी कि 19 अक्टूबर से सभी स्कूल खोले जा रहे हैं। स्कूल सिर्फ 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए खोले जाएंगे और उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल आने के लिए कई गाइडलाइंस जारी की है और सभी COVID-19 प्रोटोकॉल स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाएंगे। अगली अपडेट है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की सेकेंड कट ऑफ लिस्ट के आधार पर काउंसलिंग आज यानी 19 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी और 21 अक्टूबर तक चलेगी। इसके साथ ही अगली खबर है कि राजस्थान PTET एग्जाम रिजल्ट 2020 आज डिक्लेयर हो गए हैं, तो कैंडिडेट अपना रिजल्ट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये एग्जाम 16 सितंबर 2020 को कंडक्ट करवाया गया था। इसी तरह के एजुकेशनल अपडेट्स के लिए हमारे ताज़ा न्यूज़ चैनल के साथ बने रहें।